हिंसाग्रस्त सुदान में भारतीय नागरिकों ने परत लावा माटे विदेश मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलावामां आवी रह्युं छे, जेना भागरूपे 297 भारतीयों ने सुदान थी मुंबई लावामां आव्या। आ नागरिकों ने दरियाई मार्गे आईएनएस टैगना साउदी अरबना जीदाह थी स्वदेश लावामां आव्या छे। अत्यार सुधीमां 1100 वधु लोकोने बचावामां आव्या छे। मंत्री वी मुरलीधरने भारतीय नागरिकों साथे वातचीत करी हती अने तेमणे तमाम प्रकारनी सरकारी मदद उपलब्ध करावानी खातरी आपी हती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ने लईने विवादास्पद निवेदन आप्युं छे। खड़गे कहूं के पीएम मोदी एक झेरी सांप जेवा छे, तमे विचारी शको छो कि ते झेर छे के नहीं, जो तमे तेने चाटशो तो तमे मरी जशो। कर्नाटक में 10 मे ना रोज विधानसभा की चूंटणी योजावानी छे, जेना माटे मल्लिकार्जुन खड़गे चूंटणी प्रचार माटे कलबुर्गी पहोंच्या हता। अहीं तेमणे जाहिर सभा ने संबोधन करता निवेदन आप्युं। खड़गेना निवेदनों वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवियाए ट्वीट करीने कांग्रेस पर निशान साध्यू। तेमणे कहूं कि हवे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे वडाप्रधान मोदी ने झेरी साफ कह्या। अमे जाणीए छीए कि सोनिया गांधी ना मर्चेंट ऑफ डे थी शुं थयुं हतुं अने ते केवी रीते समाप्त थयुं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी ने झेरी साफ जेवा कह्या बाद केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामे आवी हती। तेमणे कहूं कि कांग्रेस ने चूंटणी में मळेली हार अने कर्नाटकनो रोष क्यांक ने क्यांक मोदीजी ने अपमानित करवा तेमने गाळो आपवा कांग्रेस ने मजबूरी बनी जाय छे। हर बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वडाप्रधान मोदी ने झेरी साफ जेवा कह्या बाद ट्वीट करी स्पष्टता आपता जणाव्युं कि नफरत अने द्वेष ने राजनीति विषे आ टिप्पणी करी हती। मारू निवेदन वडाप्रधान मोदी के अन्य कोई व्यक्ति विशेष विरुद्ध न हतुं। तेमणे ट्वीट में कहूं छे कि मैं गरीबों अने दलितों ने दुःख जोयुं छे। भाजप अने आरएसएस ने विभाजनकारी विचारधारा अने तेमना नेताओनो हमेशा विरोध कर्यो छे। मारी राजनीतिक लड़ाई तेमनी राजनीति सामे छे अने रहेशे। कर्नाटक में विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है त्यारे पीएम मोदीए वर्चुअल माध्यम से प्रदेश लाखों कार्यकर्ताओं ने संबोधन कर्यु। पीएम मोदी आ संबोधन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल झूंबेश पर वधु ध्यान आपवानी सलाह आपी। तेमणे कहूं कि प्रदेश में बहुमत साथ विजय मेळववा माटे रेवड़ी कल्चर समाप्त करने जरूर है। मफत रेवड़ी कारण राज्य पर देव वधी रह्यु छे। आ रीते देश अने सरकार चलावी शकाय नहीं। तेमणे कहूं कि अपना देश में केटलाक राजकीय दळोए राजकारण ने सत्ता अने भ्रष्टाचारनुं माध्यम बनाव्युं छे। आ पार्टी तेने माटे साम दाम दंड भेदनी नीति अपनावे छे। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? कर्नाटक विधानसभा चूंटणी ने लईने तमाम पक्षों तरफ थी जोर शोर थी प्रचार शुरू थई गयो छे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नो गढ़ छे। अहीं प्रचार माटे प्रियंका गांधी रस्ता उपर उतरी लोकोने मळी रहा छे। बीजी तरफ पीएम नरेन्द्र मोदी अने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पण भाजपनी जीत माटे प्रवास करी रहा छे। अमित शाहे चूंटणी प्रचार में कहूं कि कांग्रेस परिवारवाद ने प्रोत्साहन आपती पार्टी है, जो कांग्रेस जीतशे तो राज्य में रमखाणो थशे। आंगे संजय राउते शाहना निवेदन पर सवाल उठाव्यो। संजय राउते कहूं कि जो पीएम मोदी कर्नाटकना पोशाक पहेरीने कर्नाटकनी आसपास फरे तो पण तेनाथी भाजपने कोई फायदो थशे नहीं। देशना गृहमंत्री अमित शाह कही रहा है कि जो कांग्रेस जीतशे तो रमखाणो थशे, तेवो देशना गृहमंत्री तरीके आ वात कही रहा है, तो शुं ते धमकी आपी रहा छे? कांग्रेसना नेता रणदीप सिंह सुरजेवालाए केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह ने भाजपनी रेलीना आयोजकों विरुद्ध कथित रीते भड़काऊ भाषणों करवा तेमज नफरत ने प्रोत्साहन आपवा अने विपक्ष ने बदनाम करवा मामले बेंगलुरुना हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन में फरियाद करी। आ साथे तेमणे निवेदन आपता कहूं कि जो भारतना गृहमंत्री खोटा निवेदनों आपे जेनाथी धर्मो अने समुदायों वच्चे संघर्ष सर्जाय
तो कायदो और व्यवस्था नु रक्षण कौन करशे? आई थिंक विल हैपन व्हाट एवर श्री अमित शाह सेड इज अ वेरी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मोस्ट सक्सेसफुल होम मिनिस्टर आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड दे ट्राई टू क्रिएट सच मिस्चीफ्स एंड दैट इज टू बेसिकली फॉर द आई थिंक फॉर द अपीजमेंट पॉलिटिक्स ओनली दे आर ट्राइंग टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट श्री अमित शाह। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है त्यारे अलग अलग पार्टी नेताओं वच्चे जुबानी जंगनी शुरुआत थी छे। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमारे कहूं कि अमे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह निवेदन सामे केन्द्रीय चूंटणी पंच समक्ष फरियाद दाखिल करी छे। कर्नाटक में चूंटणी प्रचार दरमियान अमित शाह जाहिर सभा ने संबोधन दरमियान कहूं कि जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आवशे तो रमखाणो थशे। आ मुद्दे कांग्रेस पार्टीए फरियाद दाखिल करी छे। आ साथे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवालाए डॉक्टर परमेश्वर और डीके शिवकुमारे पण अमित शाह विरुद्ध बेंगलुरुना हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन खाते फरियाद आपी। कर्नाटक में 10 मे रोज विधानसभा की चूंटणी योजाशे। The Union Home Minister has said that if Congress party comes to power, they will be affected with communal rights. Definitely, my ACC has already filed in the Election Commission. After filing only, we have come to the police station to look at this matter. कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी विषे बात करता देश पूर्व वडाप्रधान ने जेडीएस पार्टी प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने जारे प्रश्न पूछवामां आव्यो कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दावो कर्यो कि प्रदेश में विधानसभा की चूंटणी में जेडीएस ने 15 बैठकों पर नहीं मळे। आ मुद्दे बातचीत करता देवेगौड़ाए कहूं कि कोई मूल्यांकन पर कोई प्रतिक्रिया आपीश नहीं। देवेगौड़ाए कहूं कि लोगों जनादेश जाहिर थाय त्या सुधी आ लोगों ने पोताना मूल्यांकन की मजा माणवा दो। देवेगौड़ाए कहूं कि संयम राखो और राह जुओ, कर्नाटक में स्थिति बदलाशे, तमे पण अहीं छो अने हूँ पण अहीं छूं। No reaction for anybody's assessment. It is their own assessment. Let them enjoy till the mandate of the people is going to be declared. What is your prediction? Just wait, watch how things will move in Karnataka. You will be here, I will be here. Don't worry. कर्नाटक में चूंटणी प्रचार दरमियान अमित शाह आपेला निवेदन पर कांग्रेस नेताओं बेंगलुरुना हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन समक्ष फरियाद दाखिल करी छे। त्यारे आ मुद्दे बातचीत करता प्रदेश मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बईए जणाव्यु कि आ कांग्रेस राजनीतिक नाटक छे। सीएम बोम्बईए कहूं कि कांग्रेस नियमों उल्लंघन करे छे, टीवी प्रेशर कुकर वितरण करे छे, हवे कांग्रेसे अमारा नेता सामे फरियाद दाखिल करी छे। आ फरियाद पायाविहोणी छे। तेमणे कहूं कि वडाप्रधान मोदी शब्दों भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहित करे छे अने मने आशा छे कि अमारा कार्यकर्ता डबल प्रयास से देश में भाजपा की सरकार फरीवार बनशे। See, these are all political gimmick Congress does. They do all kind of violations. For example, they distributed pressure cookers, TVs, and they filed a complaint against our president. So this is one among them. There is nothing in that complaint. One thing I'll tell you, Hubli is a nerve center of politics, especially nerve center of North Karnataka politics. And it has been always, our national leaders are coming, all party national leaders come to Hubli. It is nothing new. AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ફરી એકવાર નીતિશ કુમાર અને આનંદ મોહનની જેલ મુક્તિ મામલે પ્રહાર કર્યા। ઓવૈસીએ કહ્યું કે નીતિશ કુમાર વિપક્ષી એકતાના નામે સમગ્ર દેશભરમાં ફરી રહ્યા છે અને પોતાને વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર ગણાવી રહ્યા છે। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा की चूंटी में दलित समुदाय वोट मेलवा समग्र प्रयत्न कर रहा है। की सरकार और नीतीश कुमार सारे देश में फिर रहे हैं अपोजिशन यूनिटी के नाम पर और अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहे हैं। आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को, आप दलित कम्युनिटी को बोलेंगे अब आप जाकर पूरे देश में 2024 में कि देखो हमने एक दलित ऑफिसर की हत्या करने वाले एक आदमी को छोड़ दिया। कौन सी अपोजिशन, हम यही तो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी पे फाइट करिए बीजेपी से, आप नहीं करना चाह रहे। डब्ल्यूएफआई ना वड़ा ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्तीबाजू और तेमना परिवारों ने लगावेला जातीय सतामणी आरोपों ने फगाव्या। दरमियान तना पर लागेला आरोप पर कोच महावीर प्रसाद बिश्नोईए गुरुवारे कहूं कि जो ब्रिजभूषण दोषित साबित थाय तो फांसी आपवा माटे तैयार छे।
विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दावो कर्यो हतो के बिशोई और हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी राकेशे मात्र पीड़ितों ने धमकाव्या ज नहीं परंतु तेमने चूप रहेवा माटे लांच पण आपी हती। तो बिश्रोईए कहूं कि तमे मारा कॉल रेकॉर्ड चेक करी शको छो, आ तमाम आरोपों में कोई सत्यता नहीं, जो कि मैं धमकी भर कॉल कर्या होवानुं साबित थाय तो हूँ पण फांसी माटे तैयार छू। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाना वडा बृजभूषण शरणसिंह विरुद्ध दिल्ली जंतर मंतर पर धरना पर बैठेला कुस्तीबाज पर केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुरे कहूं कि अमे आ मामले निष्पक्ष तपास इच्छीए छीए। अमे 12 कलाक सुधी कुस्तीबाजू ने सांभळ्या अने पछी एक कमिटी बनावी। समितिए 14 बैठक योजी छे। दरेकने मॉनिटरिंग कमिटी समक्ष पोतानो केस रजू करवानी तक आपवामां आवी हती। बीजी तरफ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरणसिंह विरुद्ध एफआईआर की मांग पर ठाकुरे कहूं छे कि कोईपण पुलिस स्टेशन में एफआईआर नोंधावी शकाय छे। पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुने। रात के 2-2.5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं। दिल्ली ना नरेला विस्तार में प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस में फायरिंग थता 3 लोग घायल थे। फायरिंग की घटना में घायल थे लोगों ने तात्कालिक हॉस्पिटल में सारवार माटे खसेड़वामां आव्या। दुष्कर्म आचर्या बाद बाइक पर आवेला 3 हुमलाखोरो स्थल पर फरार थई गया हता। आपेला शुक्रवारे सवारे दिल्ली की साकेत कोर्ट परिसर में 40 वर्षीय महिला की गोळीमारी हत्या करवामां आवी हती। हुमलाखोरो वकीलना वेश में आव्या हता। आरोपी की ओळख सस्पेन्डेड वकील कामेश्वर सिंह तरीके थई हती। उत्तर प्रदेश में पुलिस अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की शोधखोड़ कर रही है। कौशांबी विस्तार में नाकाबंदी कर रही है। पुलिस और एसटीएफ की टीम दरोड़ा पड़ा। मोटी संख्या में सुरक्षा दल जवानों आ विस्तार में फ्लेग मार्च योजी रहा है। अतीक पुत्र उमर और अलीपर बिल्डर पास 5 करोड़ रूपया की खंडनी मांग मानी अपहरण और टॉर्चर कर जान की मारी नाखा धमकी आपने लई एफआईआर नोधाई। उमर और अली पहले थी जेल में बंद है, तो गुडू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में छुपाया होवाना इनपुट मळ्या छे। जानकारी मुजब ते हिंदू नाम बदली ने रहे छे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गुरुवारे सीबीआई आम आदमी पार्टी ना नेता और दिल्ली ना पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राउ 7 कोर्ट में रजू कराया था। कोर्टे मनीष सिसोदिया की 12 मे सुधीनी ज्युडिशियल कस्टडी मंजूर कर दीधी है। थोड़ा दिवसों पहला सीबीआई आ केस में सप्लिमेंटरी चार्जशीट दाखल करी हती, जेमा मनीष सिसोदिया अने अन्य 3 लोकोना नाम सामेल करवामां आव्या हता। कोर्टमां 12 मे ना रोज दाखल करवामां आवेली सप्लिमेंटरी चार्जशीट पर रजूआत करवामां आवशे। आ केसमां 16 एप्रिल रोज सीबीआईए दिल्हीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालनुं निवेदन नोंध्युं हतुं। आ बाद अरविंद केजरीवाले आरोप लगाव्यो हतो कि आ समग्र केस बनावटी छे अने तपास एजेंसी पासे कोई पुरावा नथी। 28 फेब्रुआरी रोज सीबीआई आ केस में मनीष सिसोदिया की धरपकड़ करी हती। आंध्र प्रदेश अनंतपुर में उश्केरायेला खेडूतोए प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी काफलो अटकावानो प्रयास कर्यो हतो। सीएम सिंगमलाला एक कार्यक्रम में हाजरी आप्या बाद पुटा पर जई रहा था, त्यारे आ समग्र बनाव बन्यो हतो। अचानक खेडूतो सीएमना काफलानी वच्चे आवी तेमने अटकाववानो प्रयास कर्यो हतो। त्यारबाद मुख्यमंत्रीनी सुरक्षामां हाजर कर्मचारीओने खेडूतोने त्यांथी हटाव्या हता। खेडूतोनो आरोप छे कि अधिकारीओए गरीब लोको माटे घरो बांधवा माटे थुंपर अने मोटू मारु विस्तारमां 210 एकर जमीन संपादित करी हती, परंतु हजु सुधी तेमने वळतर चूकवायुं नथी। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में थे नक्सली हमला एक वीडियो सामने आयो है। विस्फोट थोड़ा थोड़ी ज क्षणों बाद वीडियो है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी घायल हालत में नक्सलियों सामनो करते जी रो। वीडियो में जी शक कि घायल पुलिसकर्मी नक्सलवादियों बहादुरीपूर्वक सामनो कर रहा है। विस्फोट बाद घायल थे पुलिसकर्मी नक्सलियों पर फायरिंग करे। विस्फोट थोड़ा स्थल पर हाजर अन्य एक पुलिसकर्मीए आ वीडियो बनाव्यो।
आ वीडियो छत्तीसगढ़ पुलिस की बहादुरी नो पुरावो छे। जे जवाने आ वीडियो शूट कर्यो तेना जणाव्या अनुसार नक्सलवादीए सात गाड़ियोंना काफलामांथी त्रीजी गाड़ी ने पोताना निशान बनावी हती। बुधवारे बपोरे 1:30 वागे पुलिसनो काफलो परत फरी रह्यो हतो त्यारे नक्सलवादीओए रस्तामां हुमलो कर्यो। जे गाड़ी पर हुमलो करवामां आव्यो तेमां सवार तमाम जवान शहीद थया छे। गुरुवारे छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों पर माओवादियों हमला करता 10 जवानों एक ड्राइवर शहीद थया हता। आ घटना बाद छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेले जणाव्युं कि आ घटना में अपना 10 जवान एक ड्राइवर शहीद थया छे, परंतु तेमनी शहादत व्यर्थ नहीं जाए। मने गर्व छे कि अमारा जवानों लड़ता लड़ता शहीद थया छे। आ घटना थी अमारा मनोबल ने कोई असर नहीं थाय, परंतु अमारा जवानों मक्कमता थी तेमनो सामनो करशे अने बदलो लेशे। ये चांस की बात है, लेकिन हमने दो उनके पकड़े हैं। पिछले समय जो घटनाएं घटी थी तो हमारे जवान लोहा लेते हुए जहां शहादत दी वहीं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा, नक्सलियों की हिम्मत तोड़ दिए थे। मैं समझता हूं इस घटना से हमारे मनोबल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे जवान और अधिकारी सब डट का मुकाबला करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी और पछीना दिवसों दरमियान थयेली हिंसा मुद्दे एनआईए ने तपास सौंपवानी अरजी ने मान्य रखता समग्र घटना की तपास एनआईए ने सौंपवानो आदेश कर्यो छे। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुबिंदु अधिकारीए कलकत्ता हाईकोर्ट में आ अरजी दाखिल करवामां आवी। कोर्टे आ घटनाना तमाम सीसीटीवी फूटेज और रेकॉर्ड 2 सप्ताह समयगाळा में केन्द्रीय तपास एजेंसी ने सौंपवानो आदेश कर्यो। पश्चिम बंगाल में हिंसा दरमियान अनेक जगह पत्थरमारों और दुकानों में आगचंपी करवामां आवी हती। पश्चिम बंगाल हुगली जिला में सौथी वधु हिंसा थई हती। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर एक भयानक अकस्मात सर्जायो हतो। अकस्मात में ओछा में ओछा 12 वाहनों एकबीजा साथे टकराया हता। अकस्मात में 4 लोगों ने इजा पहुंची होवानी विगतो सामे आवी हती। इजाग्रस्तों ने नजीकनी होस्पिटल में लई जवामां आव्या। जो कि अकस्मात में कोई मोटी जानहानिना समाचार प्राप्त थया नथी। मोटा भागना लोको कोई गंभीर इजाओ तेमने पहुंची नथी। पुलिस अधिकारीना जणाव्या अनुसार प्राथमिक दृष्टिए पूरपाट जती कार डिवाइडर साथे अथड़ाया बाद ट्रक साथे अथड़ाई हती। आ दरमियान कार में बैठेला 4 लोग इजाग्रस्त थया हता। संयुक्त राष्ट्रनी सुरक्षा परिषद में भारतना संयुक्त राष्ट्र मिशनना काउंसिलर प्रतीक माथुरे जणाव्यु के वीटोनो उपयोग समाप्त करवामां आवे अथवा परिषदनु पुनर्गठन करी नवा सभ्योने पण वीटोनो अधिकार आपवामां आवे। तेमणे कह्युं के मतदान अधिकार मुद्दे तमाम राष्ट्र साथे समान व्यवहार करवामां आवे अथवा नवा सभ्यो राष्ट्रों ने पण वीटो आपवामां आवे। तेमणे कह्युं के यूएनएससीना तमाम 5 स्थायी सभ्य राष्ट्रोए राजनीतिक फायदा माटे वीटोनो उपयोग कर्यो छे। ओवर द पास्ट 75 इयर्स ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स हैव यूज्ड द वीटो टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल एंड्स। इन दिस रिगार्ड लेट मी फ्लैग व्हाट आवर अफ्रीकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स have repeatedly stated in the intergovernmental negotiations on Security Council reform, and I quote, "The veto as a matter of principle should be abolished. However, as a matter of common justice, it should be extended to new permanent members so long as it continues to exist." संयुक्त राष्ट्रनी जनरल एसेम्बलीमां बैठकमां पाकिस्तानना प्रतिनिधिए काश्मीरनो मुद्दो उठावता तेना जवाबमां भारते गृहमां कह्युं के कोईपण प्रकारनो दुष्प्रचार अने प्रोपेगंडा आ वास्तविक तथ्यमां फेरफार नहीं करी शके के केन्द्र शासित जम्मू काश्मीर भारतनो भाग छे अने हमेशा अविभाजित भाग रहेशे। भारतना यूएनजीएमां प्रतिनिधि प्रतीक माथुरे आ टिप्पणी करी। यूएनजीएमां माथुरे कह्युं के जम्मू काश्मीर अने लद्दाख भारतनो अभिन्न भाग छे अने रहेशे। તેમણે કહ્યું કે બેઠકનો મુદ્દો કે વિષય કોઈ પણ હોય, પરંતુ પાકિસ્તાન વારંવાર કાશ્મીરનો મુદ્દો ગૃહમાં ઉઠાવે છે. The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. No amount of misinformation, rhetoric or propaganda from any country can change that fact.
भारत अरुणाचल प्रदेश में मोटा पाये इन्फ्रास्ट्रक्चर साथ आग बढ़ी रू हम केन्द्र अही रोड और रेल लाइन काम ने झड़पी बनावशे जे एलएसी नजीकना दूरना स्थलों ने जोड़वा प्रोत्साहन आपशे। अरुणाचल प्रदेश ने रस्ताओ द्वारा जोड़वा आ सौथी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट छे। सेला टनल रोड प्रोजेक्ट पण तेमा सामेल छे। ते तवांग ने गुवाहाटी थी जोड़वा माटे बनावामां आवे छे। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावो करवा माटे समयांतरे निष्फळ प्रयास करतु रहे छे। तेने जोता हवे भारत सरकार द्वारा आ पगलू लेवामां आव्युं छे। आ महिनानी शरूआतमां चीने पोताना नक्शामां अरुणाचल साथे संबंधित स्थळोना नाम बदली नाख्या हता। जो कि आना पर विदेश मंत्रालयना प्रवक्ता अरिंदम बागची चीन ने जड़बातो जवाब आप्यो अने तेने सदंतर फगावी लीधो हतो। सोनानी खरीदी प्रत्ये भारतीयों हमेशा क्रेज रह्यो छे। भारते मात्र चार वर्ष में 178 टन सोनू खरीद्यु छे। सोनू खरीदवा मामले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विश्वनी केन्द्रीय बैंकों की याद में हवे आठवा क्रमे आवी गई छे। दुनियाना कुल रिजर्वनु 8% सोनू अत्यारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पासे छे। वर्ष 1991 में जारे भारत पासे आयात माटे विदेशी चलन न हतुं त्यारे भारते 2.2 बिलियन डॉलर की लोन लेवा माटे 67 टन सोनू गिरवे मूकवु पड्यु हतुं। तत्कालीन केन्द्र सरकारे आ निर्णय लीधो हतो परंतु हवे ते चित्र बदलाई गयु छे। भारते गिरवे मूकेलू सोनू तो छोड़ावी दीधु छे। साथे आजे दुनियाना कुल रिजर्वनु 8% सोनू आरबीआई पासे छे। कोरोना महामारी ने कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओ अने पछी वधती जती मोंघवारी वच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाए सोनानी मोटा पाये खरीदी करी छे। भावमां वधारो उपरांत ऊंची आयात ड्यूटी तथा आंतरराष्ट्रीय विमानी सेवा पूर्ववत थवा साथे देशमां सोनानी दाणचोरीमां वधारो थयानुं जणाई रह्युं छे। 3% जीएसटी साथे सोना पर कुल 18% ड्यूटी वसूलवामां आवे छे। देशमां सोना तथा चांदीनी मोटा पाये दाणचोरी पकड़ाय छे। गया वर्षना एप्रिलथी वर्तमान वर्षना फेब्रुआरीना 11 महीनामां देशनी विविध एजन्सीओए दाणचोरीनुं 3,990 किलो सोनू जप्त कर्युं हतुं। नाणाकीय वर्ष 2021-22 में आ आंक 2,170 किलो जारे कि 2019-2020 में 1,945 किलो हतु एम प्राप्त सरकारी आंकड़ा जणावी रह्या छे। नाणाकीय वर्ष 2023 में सोनानी दाणचोरी में जोरदार वधारो थयानुं कस्टम विभागना सूत्रोए जणाव्युं। 2020-21 ने सरखामणीए गया नाणाकीय वर्ष में देश में विमानोनी अवरजवर में जोरदार वधारो नोंधायो हतो। उतारावनी संख्या पण ते प्रमाणे प्रमाणमां वधी हती। गया नाणा वर्षमां एकला मुंबई एरपोर्ट खाते 600 किलो सोनू जप्त करायुं हतुं। भारतमां सोनाना भाव प्रमाणमां ऊंचा होवाथी अहीं सारू वळतर मळी रह्युं छे। एटलुं ज नहीं विश्वमां भारत सोनानो मोटो वपराशकार देश छे। देशनी बैंकोना बिजनेस मॉडल्स पर रिजर्व बैंक बारीकाईथी नजर राखी रह्युं छे एम आरबीआईना गवर्नर शक्तिकांत दासे जणाव्युं हतुं। ताणने कमी शकवा माटे भारतीय बैंकों ने सक्षम छे एम ताजेतरनी स्टेटस परथी जणाई रह्युं छे। ताणनी गंभीर स्थितिमां पण बैंको कैपिटल एडिक्वेसी लघुत्तम जरूरियात करता पण ऊंची जाळवी शके एम छे। एम पण तेमणे नाणाकीय स्थितिस्थापकता परनी एक वैश्विक परिषदने संबोधता जणाव्युं। बैंको पर देखरेख राखवा रिजर्व बैंके विविध नियंत्रणों कार्यरत कर्या छे अने नाणा व्यवस्थामां जोखमना स्तरनुं आकलन करवा पगला लागू कर्या छे। अमेरिका तथा यूरोप में ताजेतरनी बैंकिंग कटोकटी नो उल्लेख करता दासे जणाव्युं हतुं के बैंको तथा अन्य नाणा संस्थाओं संगठित रीते स्थितिस्थापक होवी जरूरी छे। प्रतिकूल घटनाक्रमों सामेनी सुरक्षित रहेवा संस्थाओं सक्षम होवी जोईए। अमेरिकाना प्रमुख जो बाइडने बुधवारे हिम्मतपूर्वक कह्युं हतुं के डोनाल्ड ट्रम्पने 2024 फरी एकवार पराजित करी शकशे। आ तबक्के एक पत्रकारे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ने पूछ्यू कि तमे ट्रम्प नी सामे एटला माटे उभा रहेवा मांगो छो कि तमे मानो छो कि एकमात्र तमे ज ट्रम्प ने हरावी शको तेम छो। त्यारे बाइडेने कह्युं कि हुं एकलो नथी परंतु हुं तेमने सारी रीते जाणुं छुं अने ते पण जाणुं छुं कि तेओ आपणी लोकशाही माटे केटला भयरूप बनी शके छे। अमे पण आ मार्गी पहेला आ स्पर्धामां हता। तेमणे कह्युं कि 2020 तो ट्रम्प द्वारा उभी करायेली अद्वितीय भीति ने लीधे हुं तेमनी सामे उभो रह्यो हतो परंतु आ वखते तेवी स्थिति नथी। आ वखते चूंटणी लड़वा माटे मैं लीधेला निर्णय ने ट्रम्प साथे कोई संबंध नथी।